सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839989305715। इंजीनियर विकास झा 8770089448। उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश श्री सुशील कुमार पालू का आज गुना आगमन हुआ है। उनका गुना से पूर्व का नाता है। पहले वह गुना में 2006 से 2008 तक जिला जज रहे हैं। आज गुना सर्किट हाउस में जिला जज वीरेंद्र सिंह राजपूत, प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर ने उनकी अगवानी की और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महाकाल पापी को क्षमा नहीं करेंगे, सतपुड़ा भवन में आग लगाकर क्या जला दिया शिवराज सरकार ने कांग्रेस। पोस्टर लगवा कर निष्ठा पर उतराई है भाजपा। जिला कांग्रेस कमेटी गुना के तत्वाधान में 24 जून शनिवार को दोपहर 12 बजे नगरपालिका के पास हनुमान चौराहा गुना में भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा उज्जैन महाकाल लोक में किए भ्रष्टाचार, सतपुड़ा भवन में फाइलों को जलवाने तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, कांग्रेस प्रभारी कृष्ण मोहन मालवीय, जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह, जिला अध्यक्ष हरिशंकर विश्वनाथ तिवारी, राहुल वत्स, राजेंद्र तिवारी, सत्येंद्र जैन, हर्ष मेड़ सहित कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि भोपाल में कमलनाथ के लगे वॉन्टेड पोस्टरों पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा की बौखलाहट है, वो इतने बेशरम हो गए हैं, उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि जो रुझान मध्य प्रदेश में आ रहे हैं इसमें जनता उनके साथ नहीं है। प्रदेश में इस बार जनता भाजपा का कमल नहीं बल्कि कमलनाथ को पसंद कर रही है। जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा विपक्ष की तुलना बेढक सांप से करने पर श्री सिंह ने कहा कि अगर आप शिवराज सिंह का पिछले 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कौन मेढक और कौन सांप है। उन्होंने जनता का अपमान किया है। जनता के हित में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं कर पाए। व्यापम घोटाले के माध्यम से शिक्षित युवा के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जिस महाकाल लोक का पीएम ने स्वयं उद्घाटन किया है उसकी पोल थोड़ी सी हवा में खुल गई। इसी ने भाजपा का असली चेहरा सारे देश के सामने रखा है और हर सनातनी यह अच्छी तरह जानता है कि महाकाल किसी पापी को क्षमा नहीं करते हैं। व्यापम की जांच शुरू की थी इसलिए विधायक खरीदे। सरकार बनने पर व्यापम घोटाले की जांच के सवाल पर सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तब हमने जांच आरंभ की थी, इसलिए शायद भाजपा की मजबूरी बनी उनको इतने पैसे खर्च करके विधायक खरीदने पड़े। मध्य प्रदेश में आपसे कोई गठबंधन नहीं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर सिंह ने कहा कि लगभग सभी विपक्षी पार्टी जो पटना में मौजूद थी वह संविधान पर विश्वास रखती हैं। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच पर रहकर हम सब एक साथ मिलकर लोकसभा में काम करेंगे, जो हमारी एकता के लिए सही नहीं है। इसमें मेरा मानना है कि आप ये स्पष्ट करें कि वह पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ रहेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि स्पष्ट दिखता है जिसमें कि कहीं ना कहीं आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती हैं। ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में आपके साथ गठबंधन पर सिंह ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है। सिंह ने कहा उनकी ना तो कोई मजबूत ज़मीन है और ना ही मजबूत नींव है जिसके बूते यहाँ हमसे सीटें मांगे हैं। सर्वे के आधार पर फाइनल होंगे टिकट। प्रदेश के कांग्रेस के माध्यम से ही परिवर्तन संभव है। श्री सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है कि जिले की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। केपी सिंह जैसा फीडबैक भोपाल में देंगे उसी हिसाब से टिकट वितरित होंगे और हम सब के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ भाजपा की बौखलाहट है, वो इतने बेशरम हो गए हैं क्योंकि उनको भी दिख रहा है कहीं ना कहीं जो रोजाना आ रहे हैं मध्य प्रदेश में उससे स्पष्ट दिख रहा है कि अब जनता इनके साथ नहीं है और इसीलिए उनकी कायरता है भाजपा की कि वो बिना खुदिया पिक्चर लगाकर ऐसे पोस्टर छुपा रहे हैं कि उनको भी दिख रहा है अब जो उनका चिन्ह मध्य प्रदेश में भाजपा का जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। जनता इस बार परिवर्तन जारी है और जनता इस बार भाजपा का कमल नहीं
लेकिन कमलनाथ जी को पसंद कर रहे। ग्वालियर में शिवराज सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने विपक्ष की तुलना मेंढक साहब और दूसरी चीजों से की है। लेकिन अगर आप शिवराज सिंह जी का ट्रायल रिकॉर्ड देखेंगे 18 सालों का, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मेंढक है और कौन साहब है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का अपमान किया है, जनता के जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए हैं। चाहे हम बात करें और विशेषकर उन लोगों ने जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनके पुर्जे के साथ खिलवाड़ किया है, व्यापक घोटाले के माध्यम से जो हमारा शिक्षित युवा है उनका भविष्य खराब हुआ है। सिर्फ व्यापक घोटाला ही नहीं, चाहे हम बात करें पोषण आहार घोटाले की, उसमें भी जो राशि कुछ बच्चों के लिए थी उसके साथ भाजपा की सरकार ने खिलवाड़ किया है। और अब जो महाकाल लोक के निर्माण के संबंध में जो इनकी पोल खुली है भाजपा योग की, जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे, लेकिन 7 महीने बाद ही हल्की सी हवा से जो मूर्तियाँ खंडित हुई है, उस पूरे मामले ने जो भाजपा का असली चेहरा है वो दिखाया है पूरे देश के सामने। पटना के अंदर जो सम्मेलन हुआ, पटना में विपक्ष की एकता का जो सम्मेलन हुआ है, क्यों नहीं इसकी, जैसा मैंने कहा है हमने इसकी जांच प्रारंभ की थी जब सरकार कमलनाथ जी की थी, शायद इसीलिए भाजपा की मजबूरी बनी कि उनको इतने पैसे खर्च करके विधायक खरीदने पड़े। पटना में जो सम्मेलन विपक्षी एकता का सम्मेलन हुआ है उसके अंदर आम पार्टी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं, उस एकता में क्या बाधा है या गलत है या क्या मानते हैं आप? आज मेरा ये मानना है कि लगभग सभी विपक्षी पार्टी जो कल पटना में मौजूद थी वो संविधान पर भरोसा करती है और सब यही प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच पे रहकर हम सब मिलके आगामी लोकसभा में हम साथ करके काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि कल की बैठक में भी आम आदमी पार्टी के माध्यम से कुछ टिप्पणियाँ की गई जो हमारे एकता के लिए शायद सही नहीं है। और इसमें मैं तो यही मानना है कि पहले आम आदमी पार्टी ये बात स्पष्ट करे कि क्या वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ रहेगी। विपक्षी दल है जो हमारी सोच है कि हमारे साथ रहेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कुछ काम होते हैं आम आदमी पार्टी के जिससे स्पष्ट दिखता है कि वो काम करते हैं भाजपा की बी टीम के हिसाब से। तो ऐसा ना हो, और अगर वो प्रतिबद्ध है कौन सी विचारधारा के प्रति, अगर वो प्रतिबद्ध है जो अन्य जो संगठन है, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल हो, तो उनका स्वागत। नगर पालिका गुना वार्ड क्रमांक 22 विंध्याचल कॉलोनी में नाले पर अतिक्रमण कर मकान बना लेने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। इससे दर्जनों परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। वार्ड क्रमांक 22 विंध्याचल कॉलोनी के उषा चौरसिया ने बताया कि वे 2020 से नाले पर अतिक्रमण करके मकान बनाने और पानी निकासी की समस्या से नगर पालिका एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायती करती चली आ रही है, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी उनके समस्या का अभी तक निराकरण नहीं हुआ। नगर पालिका एवं सफाई कर्मी कहते हैं कि नाला निर्माण बनेगा, लेकिन 2 साल से नाला निर्माण नहीं बनाए, सफाई कर्मी आते हैं कचरा नहीं उठाते हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत मोबाइल मांग कर लेते हैं, अगर खुद मोबाइल से शिकायत काट कर चले जाते हैं। नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? उषा चौरसिया। कहाँ रहते हैं आप? विंध्याचल कॉलोनी वार्ड 22। जी बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? ये नाली का पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, 10 बार बुला लिया, आते हैं सफाई करके चले जाते हैं, सफाई का कचरा भी नहीं ले जाते हैं, बार बार आते हैं कहते नाला बनेगा नाला बनेगा, नाला निर्माण होना है, पास हो गया है, लेकिन आज तक कोई वो नहीं। 2 साल से नाला पास हो गया, यही चल रहा, बनने का कोई काम ही नहीं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? पानी भरा रहता है घर में, बारिश में मेरे घर में पानी भरा जाता है। अभी क्या समस्या आई यहाँ पे? अभी सांप बिच्छू अभी आने दो अंदर, बस थोड़ा ही पानी और आने दो, ऐसे लंबे लंबे निकलते हैं, घर में बच्चे अकेले रहते हैं, किसके हिसाब से क्या करें। इसकी शिकायत की आपने? इसकी शिकायत मैं सन 20 से कर रही हूँ, सन 20 में की, 21 में की, 22 में की, इस बार तो अब मैंने छोड़ ही दिया, बाढ़ में जाओ आते हैं शिकायत कटवाने, खुद ही अपना मोबाइल हमसे हमारा मोबाइल लेके खुद शिकायत काट जाते हैं, हटाओ वाला ऐसा काम करते हैं, बताइए अब। तो समस्या क्या आ रही है पे? समस्या ये आ रही है, नाली का पानी नहीं निकल रहा, कीड़े अंदर जा रहे हैं, ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पानी क्यों नहीं निकल पा रहा, कोई कारण होगा? पानी नहीं निकल पाने का कारण अभी आपको दिख तो रहा है कि सामने से पूरा पैक हो रहा, बंद हो रहा, निकासी की जगह ही नहीं,
पहले कहाँ से निकलता था? पहले यहीं से निकलता था, अभी मकान बन गए, नाले के ऊपर अवैध निर्माण होगा तो उसका हम क्या करें? ये नगर पालिका जाने ना कैसे हटा दे अतिक्रमण को, ये भी उनकी प्रॉब्लम है। हम तो हमारा एक नंबर में टैक्स दे रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका की है ना। कितने लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 10 परिवारों को परेशानी हो रही है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार एवं राघोगढ़ एसडीएम सुश्री आर अंजलि के निर्देशानुसार जो किसान इधर उधर कर्मचारियों एवं कार्य के बारे में न जानकर परेशान होते रहते थे, उनके लिए तहसील आईएन में सुविधा हेतु हेल्प डेस्क का शुभारंभ एसडीएम महोदय राघोगढ़ सुश्री आर अंजलि द्वारा तहसीलदार मकसूदनगढ़ डॉक्टर उदय सिंह एवं कार्यालय स्टाफ के समक्ष किया गया। विधिवत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई जो कार्यालय में समय में उपस्थित रहकर किसानों का सहयोग करे, जिसमें किसानों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था एवं सभी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर, तहसील कार्यालय एवं लोक सेवा में प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की सूची हेल्प डेस्क में चस्पा की गई है। जनसुनवाई में प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का प्रारंभ है, जिसमें किसानों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण किया जा सकता है। वो श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार एवं एसडीएम रावल के निर्देशानुसार यहाँ हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। क्या है, किसान इधर उधर भटकते थे तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सभी कुर्सियाँ वगैरह उनको बैठने के लिए स्थान, वहाँ पूरे अधिकारी कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर, किस पद पर और किस ग्राम में कौन पदस्थ है, लोक सेवा में किस प्रकार के आवेदनों का निराकरण, कितनी फीस में होता है, ये सब पूरी बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं, जिससे किसान इधर उधर ना भटके। और यहाँ पर हमने अपने एक कर्मचारी की भी नियुक्ति की है, वो पूरे समय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और जो भी किसानों की समस्याएं होंगी उनको नोट करेंगे और समय पर समस्याएं हल कराने का प्रयास करेंगे। मकसूदनगढ़ के सुठालिया रोड पर बारिश हो जाने के कारण सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पास में ही रहने वाले युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में हमारे द्वारा शिकायत भी की गई है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई और बीच सड़क पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और गंदे पानी में डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ये पानी जैसे ही गिरता है तो यहाँ पे ये पूरा इतनी जगह में ये भरा जाता है पानी, यह झील है और ये पानी 3 से 4 दिन तक भरा रहता है, उसका नहीं है। और यहाँ दुकान पे आने वाले सारे ग्राहक परेशान हैं, बेचारे सब ग्राहक परेशान होते हैं, कोई बांध निकल के जाता तो पूरा पानी आता भरा होता है। ये समस्या 2-3 साल से लगभग 1.5 साल से यहाँ इस टाइप की झील है। और परसों नगर परिषद ऑफिस में मैंने आवेदन भी दिलवाया, भाई छोटा भाई देखे आया तो उन्होंने भी उसका कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं है उस चीज़ को भी दूसरे नहीं बनाया से। मकसूदनगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जगमोहन धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व चांचोड़ा विधायक ममता मीना जी ने क्षेत्र की महिलाओं से चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं क्षेत्र की जिन महिलाओं ने लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए प्राप्त कर लिए हैं, उन सभी महिलाओं ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। साथ ही पूर्व चांचोड़ा विधायक ममता मीना जी ने भी विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं की ओर से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। लाडली बहना योजना के मिल गए ना पैसे, तो मुख्यमंत्री को क्या बोलोगे? धन्यवाद शिवराज सिंह जी मामा को। और आपको किसान सम्मान निधि मिल गई? जी मिल गई। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री जी ने 2,000 बढ़ा के 6,000 मुख्यमंत्री जी की तरफ से, 6,000 प्रधानमंत्री की तरफ, 12,000 हो गए आपके किसान के। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी क्या बोलोगे? तो धन्यवाद बोलेंगे, उनके सपोर्ट करेंगे और क्या। तो उनको धन्यवाद दोगे? चलो बहुत बढ़िया। आपको नहीं बोलना है? अरे मुख्यमंत्री हमारे मामा शिवराज सिंह जी ने बिल्कुल आप सबको इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं तो मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को दोनों को धन्यवाद धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का जो 1,000 रुपए डाले पर निकाल लिया, अच्छा निकाल लिया, मतलब कितनी खुशी हो रही मन में? मुख्यमंत्री जी को क्या बोल दिया? मुख्यमंत्री जी को क्या बोलोगी अगर मतलब उन्हें 1,000 रुपए दिए, क्या बोलोगे? कहीं बोला बहुत अच्छे रहे, 1,000 रुपए और कहीं लाए? तो ऐसे पहले कभी और कोई ने दिए थे? नहीं दाए, पहली बार दिए ना मुख्यमंत्री जी, पहली बार ही दाए। उनको धन्यवाद नहीं बोलोगे? देखो सामान के पहले उनमें सौगात दे दी, रक्षाबंधन तो भाई दे, उसको पहले दे दे ना सौगात। दे 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 दे
चलो बढ़िया, उनको धन्यवाद बोलो। तुम्हें मिल गए बढ़ते बढ़ते अब 3,000। जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगढ़ में कक्षा छठवीं के प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित। प्रभारी प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय गुना अविनाश मिश्रा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगढ़ में कक्षा छठवीं में प्रवेश 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा छठवीं में प्रवेश लेना चाहते हैं वे प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वे प्रवेश परीक्षा हेतु वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान जिले के मूल निवासियों, सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा पाँचवीं में अध्ययनरत हैं एवं इनका जन्म 1 मई 2012 से दिनांक 31 जुलाई 2014 के बीच हुआ है, वे सभी छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं के प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में विस्तृत अधिकारी जानने के लिए विद्यालय की वेबसाइट व नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है। सदस्य जागरूक ग्रुप मंच ने शहर में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर दिया ज्ञापन। जागरूक ग्रुप के सदस्यों ने कहा, शहर में दिन भर में 7 से 8 बार बिजली अचानक चली जाती है। बिजली की आग मिचौली ने हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रखा है। गर्मी और उमस के बीच लोग बिजली जाते ही खासे परेशान हो जाते हैं। कई बार घंटों तक बिजली नहीं आती, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी रात के वक्त आती है। बार बार विद्युत प्रवाह बाधित होना समझ से परे है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर पहले ही पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में काम पूरा हो चुका है। बावजूद इसके बार बार लाइट का जाना न केवल समझ से परे है बल्कि हम उपभोक्ताओं के साथ बेईमानी जैसा है। सभी लोगों ने बिजली ठीक कराने को लेकर दिया ज्ञापन। धरनावदा थाने की पीपलिया गांव से प्रसूति गृह गुना में आते समय एक युवक की बाइक में पिकअप ने मारी टक्कर, गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सीताराम मीणा निवासी पीपलिया थाना धरनावदा ने बताया कि उनका बेटा भारत पुत्र सीताराम उम्र 22 साल निवासी पीपलिया थाना धरनावदा बीती शाम घर से गुना प्रसूति गृह गुना आ रहा था। गत दिवस उसकी पत्नी का प्रसूति गृह में हुआ है। बने हैं चौराहे पर पिकअप ने पल्सर बाइक में टक्कर मार दी गंभीर, जिसमें घायल भारत मीणा को चोटें आई हैं। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धरनावदा पुलिस से मामले की जांच कर रही है। सीताराम नन्नू लालम पिताजी का नाम। कहाँ रहते हो? देवधर। ये कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आपके बेटा? यो बने चौराहे बीच बीच। अच्छा, कहाँ टक्कर मार गए? मार साल ने। अच्छा, मोटरसाइकिल ने? मोटरसाइकिल। फिर पकड़ा हो गया? वो जो चरोक ले चोर जब आएगा हेल्प पड़ रही। अच्छा, जो जनता ने उठाए जब बांधो कही हो। क्या नाम है इसका? भारत है। पिताजी तुम्हारा नाम? सीताराम। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? पनी चोरा गन्ना चोरा। अच्छा, यह चिल्की राय से की थी, जब की श्याम की घटना बीती श्याम की। महाजनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी नगर मीडिया प्रभारी शिवम दुबे ने आज बताया, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल गुना सेवा सुशासन 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना को आमजन से अवगत कराया। वार्ड क्रमांक 8, 9, 10 में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव जी, गुना विधानसभा के विस्तारक शरद बिरथरिया जी, वरिष्ठ नेता सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष गिरिराज भार्गव जी, ध्यानु बना जी, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजपूत जी, मंडल के महामंत्री परेश भार्गव जी, हरीश औरैया जी और समस्त मंडल पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त गुना और बमौरी विधानसभा के पर्यवेक्षक केपी सिंह कग्गासू ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। विधानसभा उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया विस्तार से बताई और मार्गदर्शन दिया। केपी सिंह निर्धारित द्वारा कार्यक्रम के तहत सबसे पहले जिले के मयाना मंडल में पहुंचे थे। मयाना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद केपी सिंह ने गुना कर रुख किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे राजीव गांधी कांग्रेस भवन में केपी सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह की मंशा के मुताबिक एक एक मंडल में सक्रियता बढ़ाने की बात
कही। कगाजू ने कहा कि नई पीढ़ी साथ होती है तो परिणाम बदलना आसान होता है। अब कार्यकर्ता पुरानी बातें न करते हुए नया नया कर सकते हैं, उस पर योजना बनाए। पूरी बैठक के दौरान 20 साल से कांग्रेस के लिए जटिल साबित होती जा रही है। गुना विधानसभा सीट जिताने के लिए उन्होंने विस्तार से बातचीत की। केपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वह प्रत्याशी चयन को लेकर सभी की मंशा जानने आए हैं, निर्णय उनके हाथ में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। हालांकि उन्होंने टिकट मांगने वाले दावेदारों को अपने अपने मंडल और क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की बात जरूर कही है। केपी सिंह ने जोश से लबरेज नजर आ रही कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस के पास आज की संख्या के अनुपात में 10% कार्यकर्ता भी नहीं थे, तब भी सरकार बनी थी। आज का संख्या बल बताता है कि उमंग और उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस उत्साह को बनाए रखना जनता को दिख रहा है कि शिवराज सरकार ने प्रदेश का क्या हाल कर दिया है। गुना में संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पर्यवेक्षक केपी सिंह ने साल 1996 के संस्मरण भी सुनाए। उसके बाद पार्टी को मिली मजबूती की प्रशंसा करते हुए वर्तमान पदाधिकारी का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन दीपेश पाटनी ने किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़, जिले के शहर अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, नूरुल हसन, नूर विश्वनाथ तिवारी, रजनीश शर्मा, मनीष रघुवंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तो चुनाव के वक्त है, चुनावी माहौल है, चुनाव में तो सब अपने अपने चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे पास आते हैं सारे लोग क्रिकेट काटते हैं, 23 वर्ष से 5-10 लोगों से ज्यादा, और उसमें से आखिरी मैच दो चार मैं गुना में 3 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस की स्थिति थी और जो आज परिस्थिति है दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। कभी भी दूर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भविष्य में कांग्रेस का झंडा उठाएंगे। अब ये अलग अलग बात हो सकती है कि कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, और मैं सबसे पहले तो उस सबसे माफी चाहूंगा जो 1996 में मुझे अचानक चुनाव लड़ना पड़ा। अब जो भी हुआ गुजर गया, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, फिर भी हरि आनंद महाराज भी शायद उसे समझते थे, महाराज नहीं थे है? तो कुछ पुराने साथी हैं जो चेहरे मुझे याद है कि उस चुनाव के बाद मैंने कोशिश तो की थी कि जिन लोगों ने साथ दिया है उनके लिए काम किया जाएगा, और एक जिला गुना पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा शनिवार 24 जून 2023 को स्थानीय सर्किट हाउस गुना में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता को भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव जी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की 18 साल में प्रदेश के विकास की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीरज निगम एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमने नहीं देखा 18 साल पहले कभी सरकारी कार्यक्रम में कन्या पूजन होता हो। अब पूरे प्रदेश में 12 आते हटा दिए गए, इससे शराब पीकर महिलाओं से छेड़छाड़ आदि अपराध होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 0 टॉलरेंस की नीति है। हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना करी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मासूम बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध फांसी की सजा का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। माताओं बहनों के बेटियों की तरफ से आंख उठाकर देखने वालों को तो घरों पर बुलडोजर चलाए गए, आप सब लोग इस बात का प्रमाण है, सब लोगों ने देखा। महिलाओं से जोर जबरदस्ती करके महिला पुरस्कार विवाह और धर्म परिवर्तन कर रोकने के खिलाफ धार्मिक सुधार अधिनियम लागू किया। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से 7,600 से अधिक बालिकाओं को सकुशल उनके माता पिता के घर पास पहुंचाया गया, ये सहज बात नहीं। 100 करोड़ रुपये नारी सम्मान कोष की स्थापना करी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 चरणों में लगभग 82 लाख परिवारों तक निःशुल्क गैस कनेक्शन, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। मध्य प्रदेश में 3,70,00,000 से अधिक महिलाओं के जनधन खातों से जोड़ा गया। 45 लाख बेटियों को
लाड़ी लक्ष्मी परिवार से जुड़ी हैं। अब तक 13,30,000 से अधिक लाड़ी बेटियों को दी जा चुकी है 366 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। हर साल 2 मई को प्रदेश में मनाया जाता है लाड़ी लक्ष्मी योजना। विकास यात्रा लोगों की जिंदगी बदलने का महायज्ञ बनी है जो विकास यात्रा निकली थी। मध्य प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 20 सितंबर तक ये मध्य भोपाल अपना कर्तव्य सेवा समिति एनजीओ के सदस्यों ने दिखाई मानवता। एक असहाय बुजुर्ग रात से सुबह तक रेलवे स्टेशन रोड पर रोड के किनारे पड़ा था। अपना कर्तव्य सेवा समिति के सदस्य हरिशंकर पाल जी की नज़र बुजुर्ग पर पड़ी। उनके पास जाकर देखा तो बुजुर्ग के सिर पर और आंख पर गंभीर चोट थी। तुरंत उन्होंने 108 पर कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं आई, फिर डायल 100 पर कॉल किया, नहीं आई। हरिशंकर पाल जी ने अपनी टीम के सदस्य को फ़ोन करके बुलाया, उनकी मदद से गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया। बुजुर्ग रात भर से पानी में भीगता रहा, ठंड से ठिठुर रहा था। टीम के सदस्य मार्केट से कपड़े लेकर आए और बुजुर्ग के कपड़े चेंज किए। मकसूदनगढ़ के बाजार में ट्रैक्टर ट्रॉली भारी वाहन ट्रक आने पर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे नगरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलती दिखाई दे रही थी। पर शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बस कुछ दिन ही इस ओर ध्यान दिया गया, वहीं अब हाल वापस पहले जैसा होता दिखाई दे रहा है और मकसूदनगढ़ के बाजार में जाम लगने लगा है। जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली बाजार में आने पर प्रतिबंध लगा होने के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली बाजार में से होकर निकलने लगे हैं, जिनके कारण जाम लग रहा है। अगर जल्द ही शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया और इन ट्रैक्टर ट्रॉली भारी वाहनों पर कार्यवाही नहीं की तो नगरवासियों को आने वाले दिनों में फिर से पहले जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के मूल सार तत्व को खत्म कर शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं में की गई फीस वृद्धि के खिलाफ AIDASO ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण व संप्रदायीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ में AIDASO की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा 21 जून 2023 से 27 जून 2023 तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। आंदोलन के इसी क्रम में आज AIDASO की गुना जिला कमेटी के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को अविलंब वापस लाने, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं में प्रवेश शुल्क में 300 व पंजीयन शुल्क में 100 रुपये की फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग पर स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए AIDASO के जिला कार्यालय सचिव राधेश्याम चंदेल ने बताया कि एक समय ऐसा था जब शिक्षा इंसान को बचाती थी, पर आज सरकार के शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण बर्बाद होती है। शिक्षा को बचाने के लिए छात्र शिक्षकों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रुक जाना नहीं, स्कूल चलो अभियान, कॉलेज चलो अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे तमाम नारों को एक प्रचार प्रसार कर रही है, पर हकीकत में स्कूल कॉलेजों में फीस वृद्धि के चलते आम आदमी छात्र अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहा है। पिछले 4 साल से सत्र गुजर जाने के बाद भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, छात्र बार बार परेशान होकर आंदोलन कर रहे हैं। आज सरकारी नीतियों के कारण शिक्षा आज अर्जन के माध्यम से ना होकर पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। इसका नतीजा समाज में बढ़ते अपराधों के रूप में देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा लगातार महान मनीषियों, क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है और सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाले अध्यायों को जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक जनवादी व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर कुठाराघात है। हम इसका विरोध करते हैं कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई में आगे आए, छात्रों से अपील करते हैं। प्रदर्शन को AIDASO के जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रीति श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ मौजूद रहे। यहाँ पर छात्र संगठन AIDASO द्वारा अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ है एक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी विरोध सप्ताह के क्रम में आज यहाँ पर अम्बेडकर चौराहे पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन नई शिक्षा नीति 2020 जो पूरी तरीके से शिक्षा के निजीकरण को, व्यापारीकरण को, सामुदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है और इसने पूरे एक साल में शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है।
इसके खिलाफ में आंदोलन चलाया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से बंद वापस लिया जाए, क्योंकि ये शिक्षा को बर्बाद कर रही है। साथ में अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में फीस वृद्धि की गई है। एडमिशन फीस में 300 रुपये और पंजीयन शुल्क में 100 रुपये फीस वृद्धि की गई है, उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि जो सरकारी की जो जिम्मेदारी है कि जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर कम से कम फीस में पढ़ाई होनी चाहिए और बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन अभी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, पढ़ेगा इंडिया अभियान चला रही है, डिजिटल इंडिया अभियान चला रही है, रुक जाना नई योजना चला रही है। योजना तो चला रही है लेकिन हकीकत में छात्र पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और एक जो वैज्ञानिक जनवादी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था है उसको लागू करना चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया। सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839 9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448।